तो दोस्तों जैसे आप अमेजन शॉपिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट तो आप यहाँ पे परचेस करते ही करते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है एमएक्स प्लेयर के बारे में। तो ये एमएक्स प्लेयर क्या है और क्या चेंजिंग आया है इसी के बारे में आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। फिलहाल अगर इस ऑप्शन पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनी टीवी अब आपको एमएक्स प्लेयर में देखने मिलेगा। मतलब एमएक्स प्लेयर को दोस्तों अमेजन ने यहाँ पर परचेस कर लिया है। और जैसे अगर आप यहाँ से बैक होते हैं और बैक होने के बाद ऑल वाले सेक्शन में जाते हैं देन आप यहां पे देखें अमेजन मिनी टीवी फ्री इंटरटेनमेंट का ऑप्शन मिलेगा। और इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं वही ऑप्शन मिल जाता है मिनी टीवी एमएक्स प्लेयर का। और यहां पे आपको काफी सारे यहां पे दोस्तों कंटेंट देखने को मिल जाते हैं। पर अगर आप यहां पे जैसे डायरेक्ट अमेजन से अगर कोई कंटेंट देखते हैं तो इसमें ना आपको कुछ ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, ना वॉल्यूम बढ़ाने का, यहां पर थोड़ा स्टक का प्रॉब्लम मिलता है। मतलब ये थोड़ा आपको सिर्फ यहां पर एड देखने को मिल रहा है। और आपको पता है कि जो मिनी टीवी यहां पर है अमेजन प्राइम वीडियो में दोस्तों हम लोग यूज करते थे, जो जैसे आप यहां पे देख सकते हैं अमेजन प्राइम वीडियो देखने मिलेगा। और इसमें दोस्तों जब तक आप यहां पे लॉग इन नहीं करते हैं तो आपको अमेजन प्राइम वीडियो और मिनी टीवी दोस्तों आप यहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये मिलती थी कि यहां पे आप देखें तो कुछ कंटेंट आपको सब्सक्रिप्शन में देखने मिलता था और यहां पर पता ही नहीं चलता था कि कौन सा प्राइम वीडियो है और कौन सा मिनी टीवी का यहां पर कंटेंट है। तो इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने मिलती थी क्योंकि मिनी टीवी का जितना भी कंटेंट आता था वो दोस्तों आपको यहां पर फ्री में देखने को मिल जाता था। इस कंटेंट को दोस्तों अगर मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ और वॉच वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर विद ऐड का ऑप्शन मिलेगा। मतलब एमएक्स प्लेयर में अगर आप यहाँ पे वॉच कीजिएगा तो उसमें आपको ऐड के साथ देखने मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं ऐड आ चुका है, तो चलिए ऐड को सबसे पहले मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहां पे देखें तो अमेजन प्राइम वीडियो में अगर मिनी टीवी को प्ले करते हैं तो यहां पे आप देखें काफ़ी सारे ऑप्शन यहां पे मिलते नहीं है, ना वॉल्यूम बढ़ाने का ना स्क्रीन बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा अगर आप सेटिंग वाले ऑप्शन में जाते हैं तो सिर्फ बेस्ट बेटर गुड और बैटरी सेवर के नाम से आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा अगर थ्री डॉट में जाते हैं तो आपको जूम नेक्स्ट अप और वॉच बिगनिंग और इस प्रकार ये ऑप्शन देख मिलता है। और जूम वाले ऑप्शन में सिर्फ दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और उसके अलावा सिर्फ वॉल्यूम को आपको यहाँ पर देखिए ऑफ और ऑन कर सकते हैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही मिलता है कि इसमें आप मिनी टीवी अगर यूज कर रहे हैं या अब प्राइम वीडियो देख रहे हैं तो वो फिल्टर नहीं होता था और ज्यादा कंटेंट आपको यहां पे देखने को नहीं मिलता था। पर अब आपको जो एमएक्स प्लेयर है वो एमएक्स प्लेयर अमेजन ने परचेस कर लिया है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं प्ले स्टोर में, अगर यहां पर जाता हूं और जाने के बाद अगर मैं यहां पर सर्च में लिखता हूं एमएक्स प्लेयर, तो चलिए एमएक्स प्लेयर जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखता हूँ तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपको एमएक्स प्लेयर देखने मिल रहा है उसमें अमेजन इंडिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब लिखा हुआ नजर आएगा, मतलब एमएक्स प्लेयर को अमेजन इंडिया में दोस्तों यहाँ पे परचेस कर लिया है। देन उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें आपको लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है। मिनी टीवी को दोस्तों आप यहाँ पर फ्री में यहाँ पर कंटेंट देख सकते हैं जिसमें आपको लोकल का भी ऑप्शन मिल जाता है। लोकल कोई कंटेंट है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो वो म्यूजिक दोस्तों आप यहां पे सुन सकते हैं लोकल का। यहां पे डाउनलोड है, क्लाउड है, प्राइवेसी है, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आप यहां पे वीडियो वाले सेक्शन में जाते हैं तो जितने भी वीडियो है वो दोस्तों आपको यहां पे देखने मिल जाते हैं। तो इसमें मिनी टीवी के जितने भी कंटेंट है वो तो आपको मिलेंगे मिलेंगे, प्लस एमएक्स प्लेयर के जो भी कंटेंट थे वो भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और यहाँ पर आपको शो का ऑप्शन, मूवी का ऑप्शन, प्ले ग्राउंड का ऑप्शन, फेस्टिव का ऑप्शन, एमएक्स देसी, एमएक्स कॉर्नर, ये काफ़ी सारे यहाँ पर कंटेंट देखने मिल जाते हैं जिसको दोस्तों आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफी सारे टीवी देखने मिलेंगे जिसको दोस्तों आप सब्सक्राइब करके यहाँ पे वॉच भी कर सकते हैं। कंटेंट को यहाँ पे प्ले कीजिएगा तो एपिसोड तो आपको यहाँ पे मिल जाता है, 1, 2, 3, 4 जो भी एपिसोड चल रहा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें कोई भी कंटेंट को अगर मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल में आपको अगर देखना है तो इस प्रकार से तो देख ही सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है, वॉल्यूम को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, स्क्रीन से ही बढ़ा सकते हैं। ब्राइटनेस को अगर आपको यहाँ पे बढ़ाना है तो इस प्रकार से ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते है, ये ऑप्शन आपको यहां पे देखने मिलेगा। और इसमें दोस्तों आपको जूम का भी ऑप्शन यहां पे देखने को मिल जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से आपको कितने छोटा देखना है तो आप यहां पे देख सकते हैं 25% तक आप यहां पे इसको देख सकते हैं। और फुल स्क्रीन करना है तो इस प्रकार का ये ऑप्शन यहां पे दोस्तों यहां पे देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन यहां पे मिल जाता है। और उसके अलावा स्पीड का ऑप्शन, सबटाइटल का ऑप्शन, एपिसोड आपको यहीं पे देखने मिलेगा, कौन सा एपिसोड आपको यहां पे देखना है वो देख सकते हैं, नेक्स्ट एपिसोड का ऑप्शन है। और क्वालिटी में अगर आप
यहाँ पे देखें तो आपको और भी क्वालिटी मिलेंगे, जिसको दोस्तों आप इजी तरीके से यूज कर सकते हैं, जो आपको प्राइम वीडियो में देखने को नहीं मिलता था। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो इस प्रकार से आप यहाँ पे पॉपअप में, अगर आपको यहाँ पे देखना है तो होम स्क्रीन में आने के बाद पॉपअप में देख सकते हैं, जो आपको दोस्तों यहाँ पे प्राइम वीडियो में देखने को नहीं मिलता था। तो ये ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट में काफी सारे सेटिंग मिलते हैं जिसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाइएगा तो किट मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको सिर्फ किट मोड को अगर ऑन कर लीजिएगा तो जितने भी सिर्फ किट मोड वाले जो यहाँ पे मूवी आ रहे हैं, सीरीज आ रहे हैं, वही आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, वो बंदा वही देखेगा। और 18 प्लस को अगर ऑन करना है तो इसको आप दोस्तों यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मिनी टीवी था, वो मिनी टीवी अब आपको MX प्लेयर में देखने मिलेगा, और कंटेंट का आप यहाँ पे दोस्तों मजा ले सकते हैं।